हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी खड़ा हूँ डार्विन शहर के अंदर, जहाँ डार्विन का बीच है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हूँ मैं। अक्सर यहाँ पे जब मेरी छुट्टी होती है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, छोटा शहर है, तो मैं अक्सर बीच पे आ जाता हूँ। बीच पे आके मैं अक्सर जो अपनी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको थोड़ा रिलीज़ करके, रिलैक्स, चिल करके बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और जब आप थोड़ा सा पानी में अपने पाँव गीले करते हो ना, तो और मज़ा आता है। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था कि यार मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास रहने के लिए अच्छी जगह है, सांस लेने के लिए अच्छी सांस, अच्छी हवा है, गाड़ी चलाने के लिए दो दो तीन तीन गाड़ियाँ हैं, घर है रहने के लिए, पैसे हैं, मतलब मैं 10 लोगों से बेहतर कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, और कितना फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। यही सोचते हुए मेरे दिमाग में आया कि यार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मेरी तरह फॉर्चुनेट नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि अनफॉर्चुनेट होंगे, उनका भी दिल होगा, उनके वो भी चाहते होंगे कि हम अपने मुल्क से बाहर निकलें, या जहाँ वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहे हैं वो अच्छी लाइफ कर सकें। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में फाइनेंशियली वाइज, मतलब मनी वाइज बहुत अच्छी लाइफ होती है कि आप सब चीज़ अचीव कर सकते हो, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि पाकिस्तान में होंगे, लोग इंडिया में होंगे, नेपाल में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, इराक में होंगे, अफगानिस्तान में होंगे, श्रीलंका में होंगे, उन लोगों के भी ये ख्वाब होंगे। तो यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ पाते, बहुत सारे लोगों की एज हो जाती है 35 से अबव हो जाता है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। समझ लो मैं इसमें वो आपको एक टैक्टिक्स बता रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और एजेंट भी नहीं बताएगा आपको। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, सोचता हूँ मतलब इस बारे में कि यार क्यों नहीं पता लोगों को इस बारे में। मुझे भी नहीं पता था अगर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है सिर्फ उन लोगों को, लोग जो जिनकी एज हो गई है और जिनकी शादियां हो गई हैं या जिनके बच्चे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम बाहर निकल के सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और अच्छे से अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो 35 से ऊपर हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए यार ये जुगाड़ होती है कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, अक्सर ये होता है कि लड़का जो होगा घर के अंदर वो ज़्यादातर काम कर रहा होगा, लड़की होगी हाउस वाइफ, वो बच्चे संभाल रही होगी, वो खाना बना रही होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर ये होता है कि लड़का जो कमा रहा होता है ना, ठीक है, जो उसकी वाइफ होती है ना, वो भी बहुत पढ़ी लिखी होती है बहुत सारे घरों में, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि लड़का कमा रहा है, और हम लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि हम उसको, लड़की को क्यों भेजें काम करने के लिए, भले वो एजुकेशन उसकी है, हायर एजुकेशन है, उसने शायद मेडिकल पढ़ा हुआ, उसने कोई इंजीनियरिंग की हुई, उसने कोई वो डेंटिस्ट हो, लेकिन उसने सारी चीज़ें रोक के रखी हुई क्योंकि उसकी शादी हो गई, उसको करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है वो बैंकिंग में बैंकर हो, वो हो सकता है कोई अकाउंटेंट हो सकता है वो, मतलब कोई एक्स वाई जेड हो, उसके पास नॉलेज हो। तो वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं, तो उन सबको मैं बोलूँगा कि अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है ना, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे लगाने पड़ेंगे। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ वो सुनना और समझना, ये US के लिए भी होगा, ये कनाडा के लिए भी होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होगा, न्यूजीलैंड के लिए भी होगा। चक्कर ये होता है कि जब आप एक लड़का काम कर रहा है, ठीक है, वो आप आइल्स नहीं दे सकता, वो नहीं, उसके पास नहीं है टाइम कि वो एक हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेके आइल्स की तैयारी करे और 40,000 का आइल्स दे और फिर फेल हो जाए और फिर पास करे फिर फेल हो जाए। तो वो करे ये कि अपनी वाइफ से बोले कि भाई तू सारा दिन घर में बैठी रहती है, तू आइल्स की तैयारी कर, लड़की को स्टूडेंट वीज़ा बनाओ। क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि जो लड़का होता है वो 4 या 5 साल बड़ा होता है, तो बिलफर्ज अगर आपकी एज 35 है या आपकी एज 40 है, तो आपकी वाइफ 3-4 साल या 2 साल या 4 साल छोटी होगी। आई एम अज्यूमिंग जैसे कि लड़का 35 का है और लड़की 30 की है, तो 30 की एज में अगर लड़की अपनी स्टडी स्टार्ट करे, आइल्स दे रहे, क्योंकि वो सारा दिन घर पे बैठी रहेगी, उसे सारा दिन पढ़ाई करनी है, वो सारा दिन कोशिश करके आइल्स निकाल लेगी, और अगर उसकी एजुकेशन भी अच्छी है तो मेरे हिसाब से उसकी एजुकेशन की वजह से उसको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, उसकी एजुकेशन के असेसमेंट के पॉइंट्स मिल जाएंगे, और लड़का जो कमा रहा है उसके एक्सपीरियंस के असेसमेंट के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये वो जुगाड़ है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग, पाकिस्तान से तो बहुत कम ही आते हैं,
इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, मैं काफ़ी को तो नहीं, मैं दो लोगों को ऐसे जानता हूँ कि उन्होंने यही किया हुआ कि लड़की यहाँ पर आई हुई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और उनका हस्बैंड वहाँ पर है, ठीक है, लड़की को स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे वीज़ा मिल गया और फिर उसने अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके आ गए। तो अगर बहुत सारे घरों में अगर कोई लड़का नहीं कर पा रहा और अगर उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है या उसके पास वो स्किल है जो कि SOL लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका, UK या फिर न्यूजीलैंड के SOL लिस्ट के अंदर है, तो लड़की को पढ़ाओ, लड़की से बोलो कि भाई वीज़े के लिए अप्लाई करे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ लड़के को बैठ के घर में से पैसे बनाने, मतलब पैसे देने, लड़की काम करेगी, लड़की पढ़ेगी, लड़की अपनी डिग्री असेस कराएगी, लड़की ही सारा काम करेगी। तो बहुत सारे एजेंट्स ये बताते नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़की अगर शादीशुदा लड़की अगर वो अप्लाई करेगी तो उसके रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, बने ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी लड़की मेडिकल में पढ़ रही है या अगर आपकी लड़की के पास कोई स्किल है जो कि SOL लिस्ट के अंदर है, तो आपको वहाँ से बैठे बैठे PR भी मिल सकती है, आपको वहाँ से बैठे बैठे अपने मुल्क से बैठे बैठे आपको स्टूडेंट वीज़ा भी मिल सकता है। आपकी लाइफ आप सोच ही नहीं सकते ना, आप सोचो, आप अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बैंकर है, ठीक है, उसने एक लड़की से शादी करी, वो भी बैंकर थी, ठीक है। अब बैंकर बोल रहा है कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी काफ़ी है तो मैं करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। लेकिन बैंकिंग के अंदर उस लड़की ने मास्टर्स किया हुआ है या अकाउंटिंग के अंदर उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो उसकी डिग्री असेस हो सकती है और वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती है, समझ लो। ये एक जुगाड़ है, ये ऐसी जुगाड़ है कि जो बहुत सारे लोग थोड़ी अपनी ईगो को डाउन करके अगर करें ना, तो बहुत सारे लड़के उनको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है इस बात पे कि अगर आप अपनी वाइफ को स्टूडेंट बना के यहाँ पर लेके आओ और आप वहाँ बैठ के अपने पैसे कमाते रहो। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है जो कि कोई भी नहीं बताएगा, वो ये कि अगर आपकी वाइफ यहाँ पर आती है और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो आपका जो स्पाउस है ना, जो मतलब जो हस्बैंड होगा, उसको फुल वर्किंग राइट्स होंगे, वो हमारी तरह आके जलील नहीं होगा कि स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ 20 घंटे अलाउ हैं और 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को सपोर्ट कर दो कि भाई वाइफ से बोलो कि भाई तू जाके IELTS की तैयारी कर और वाइफ तू जाके एडमिशन ले, तुझे मैं एजेंट के पास लेके जाता हूँ, सारी चीज़ें मैं करता हूँ, बस तू कर और मैं तुझे पैसे दूंगा, तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है विद इन 6 months, 8 months, or 1 year, समझ रहे हो। IELTS आसान नहीं है, अगर IELTS में आपके 8777 आ गए, ठीक है, और आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें 8777 मतलब 8 स्पीकिंग में, बाकी सब में 7 ईच आ जाए, तो आप कनाडा के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी रीजनल एरिया में अप्लाई कर देना जहाँ पर लोग कम होते हैं, समझ लो। तो ये वो जुगाड़ है जो कोई नहीं बताएगा, ये पहली जुगाड़ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा समझ ना आए, तो मैं उन सबको ये बोलूँगा कि भाई अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी वाइफ पढ़ी लिखी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी वाइफ से बोलो IELTS की तैयारी करे, IELTS बैठ के घर में कुछ नहीं करे, बच्चे भी पाले, खाना भी बनाए, IELTS की तैयारी करे, अगर वो IELTS में उसके अच्छा स्कोर आ जाता है तो वो एडमिशन डाले किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, और अपना उसने अगर एक्सपीरियंस किया और अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है वो असेस करा, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, तो बहुत सारी जगहों पे तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, और जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा मिला आएगा तो वाइफ तुम्हें यहाँ पर लेके आएगी, वाइफ पढ़ेगी, फिर भी यहाँ पर आके भी पढ़ेगी वो, उसके बाद तुम तब भी उस हाल में भी तुम फुल वर्किंग राइट्स होंगे, तो और लड़का एज अ फॉलोइंग डिफेक्टो और स्पाउस रिलेशनशिप के अंदर उस लड़के को फुल वर्किंग राइट्स होंगे। तो ये वो जुगाड़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये पहली जुगाड़ है। दूसरी जुगाड़ ये है कि अगर तुम शादी करने के लिए ढूंढ ही रहे हो, शादी अगर तुम पाकिस्तान में हो और शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हो, तो यार किसी ऐसी लड़की से शादी करो या ऐसी लड़की को के साथ, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप भी है या आप शादी कर रहे हो या कुछ भी है, तो उसको पहले से प्लान करो। अगर आपको बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को घेरने के लिए नहीं बोल रहा, बाहर जाने का अगर आपका इरादा है, तो ऐसा रिश्ता तलाश करो जहाँ पर लड़की या तो मेडिकल फील्ड में पढ़ी हुई हो या डॉक्टरेट हो या मेडिसिन पढ़ी हुई हो, केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि SOL लिस्ट के अंदर हो। तो ये वो दो जुगाड़े हैं जिसके अंदर आपकी लाइफ बन सकती है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, आजकल मुल्क के, पाकिस्तान के हालात देख लो, इंडिया के हालात देख लो, श्रीलंका के हालात देख लो, बांग्लादेश तो काफ़ी थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि हर बंदे के पास वहाँ पर लैंड क्रूज़र और पराडो और गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर, समझ रहे हो। हर कोई इतना अमीर नहीं है, अगर हर कोई इतना अमीर होता मेरे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क में जो देख रहे हो, तो हम कभी बाहर ही नहीं आते। तो ये वो जुगाड़े हैं जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा, अब ये एजेंट इसलिए नहीं बताते क्योंकि इसके अंदर ना वीज़ा रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेज होते हैं। बिलफर्ज अगर तुम्हारी बीवी का रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा,
छः महीने बाद दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर दो, छः महीने बाद तीसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि आजकल मैं वहाँ देख रहा हूँ बहुत सारी लोग वहाँ पे फ्रस्ट्रेट इस वजह से हुए हैं क्योंकि पूरी दुनिया में भी महंगाई आई हुई है। अब बिलफर्स पाकिस्तान में या इंडिया में कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसका एक बजट है 1 लाख के अंदर, उसने 2 बच्चे भी पालने, उसने बीवी भी पालनी है। एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस यार 10,000 से 20,000 तक की एक बच्चे की फ़ीस है। 2 बच्चों की 40,000 रुपये फ़ीस दे रहे हो, 60,000 रुपये रह गया अगर वो किराए पे, तो 25,000 रुपये किराया दे रहा है और 25,000 रुपये के बाद उसके जेब में क्या आ रहा है, खाएगा क्या है, पेट्रोल क्या डालेगा, ज़िंदगी क्या जिएगा भाई। तो मैं उन सारे लड़कों को बोल रहा हूँ भाई डरने का नहीं है, ये वो जुगाड़ है, दो जुगाड़े बता दिए मैंने कि शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। हालांकि ये मौसम और ऐसी जगह है नहीं कि जुगाड़ का बताऊँ मैं, लेकिन ये है कि यार मेरे दिमाग में आया था यार मैं अगर इतना प्रिविलेज हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, अल्लाह का लाख 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 शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने दिया है, तो क्यों ना मैं कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन से लोगों को कहीं हेल्प करूँ। हो सकता है ये वीडियो देख के कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में आए कि यार भाई मेरी वाइफ तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरी वाइफ तो मुझसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो मेरी वाइफ यहाँ आइल्स में तो अच्छा स्कोर कर सकती है। आपको ये मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं लिटरली बाय नेम जानता हूँ, बहुत सारे लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करके अपनी वाइफ को फॉलो कर रहे हैं और वाइफ को पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो काम वो पाकिस्तान में रहते हुए शायद उनकी ईगो हर्ट करे, वो ऑस्ट्रेलिया में आके अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं और फिर वाइफ पढ़ रही होती है और उनके हस्बैंड फॉलो कर रहे होते हैं उनको, और हस्बैंड के पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, वो हस्बैंड जाता है बाहर रोज़ ऊबर ईट्स अकाउंटिंग इंजीनियरिंग की जॉबें करके पैसे भरता है, 15-15, 16-16 हज़ार डॉलर वो सेमेस्टर की फ़ीस जाती है, और फिर इस तरह से वाइफ 6-7 ईच 8 ईच लेके आके पॉइंट्स कंप्लीट करके वाइफ पीआर डालती है और हस्बैंड को उसके थ्रू मिलती है। समझ में आ रही है बहुत सारी चीज़ें अंदर की, कोई चीज़ कोई क्यों बताएगा यार, कोई क्यों बताएगा अपना वीज़े का स्टेटस अपने मुश्किलात के वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को बता देना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तो उसको स्प्रेड करो, लोगों की हेल्प करो। बहुत सारे लोग स्टक हुए हुए हैं यार, बहुत सारे लोग वहाँ स्टक हुए हुए हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, जिनके पास एजुकेशन भी है लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो गई है। और अगर आप उनकी आपकी एज तब भी हो गई, अगर आप 42 के अंदर भी हो ना, तब भी आप आराम से कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आराम से कर सकते हो, लेकिन आइल्स में जितना अच्छा स्कोर आएगा आपका, उतना ही आपका मतलब आपकी लाइफ में आपका प्रोसेस आसान होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो लोग फंसे हुए हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई और जिनको समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलना है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। आई होप किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा 1 या 2 साल बाद, बोलेगा फवाद मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैं इस वजह से आया हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं यार डार्विन में, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कभी कोल्स पे कभी के मार्ट में, फवाद भाई आपकी मैंने वीडियो देखी थी इसलिए मैं डायरेक्ट डार्विन में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर 190-491 ईजीली मिलता है, समझ रहे हो। तो मैं इस वीडियो को यही फिनिश करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है और डार्विन ऑस्ट्रेलिया से, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। व्यू चेक कर लो, सबसे बेस्ट है यहाँ के सनसेट, नज़र आ रहा है आपको सनसेट। और मुझे ये पानी में चलना बड़ा पसंद आता है, मैं अक्सर मतलब समंदर से ना अपना कोई रिश्ता है, क्योंकि मैं पैदा ही कराची में हुआ, कराची में समंदर भी होता था, तो अपना भाई कोई रिश्ता है कराची से, मतलब समंदर से ना। और डूबता हुआ सूरज, सनसेट, थैंक यू अल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इतना दिया, लाखों करोड़ों अरबों लोगों से अच्छा दिया है अल्लाह, जो लोगों के पास नहीं है उनको भी दे और सही रास्ते पर चला। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।